बेटा, तुम्हारी माँ की तदफीन तो हो गई, अब तुम कहाँ जाओगे? मेरा तो कोई नहीं है। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो आज से हम तुम्हारे हैं। आओ बेटा। इस घर की दहलीज के अंदर तुम्हें हर वो खुशी और सुकून मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर कर सकते हो। आओ बेटे। मिलो बेटा, ये है राजू, और राजू बेटे ये है मेरा बेटा इज्जत, और ये मेरी बेटी महविश। हाय राजू। चलो बेटा हाथ मिलाओ। सहारा और गरीब बच्चा है, इसका हमारे सिवा कोई नहीं है। अब ये यहीं रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ? हमें तो उसे घिन आती है। हम इस गंदे बच्चे के साथ कभी नहीं रहेंगे। डैडी, हमारे साथ खाना खाएगा, लेकिन हम इसके साथ कभी खाना नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। ये क्या बेहूदगी है इज्जत? राजू कोई गैर नहीं, ये खानदान का फर्द बनकर यहाँ आया है, और तुम्हें इसके साथ बैठकर खाना खाना होगा। आई एम सॉरी डैडी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। तुम कब आए जेल से? सीधा आ रहा हूं। अब बुरे काम नहीं करना। अच्छे काम करने के लिए कुछ चाहिए भाई साहब? अब तुम्हें यहां से खाली हाथ जाना होगा शौकत, इसलिए कि हम तवायफों के कोठों पर जाने के लिए तुम्हें नोटों की सीढ़ियां नहीं दे सकते। हमने अपने दिल को समझा लिया है, हम तुम्हारे लिए और तुम हमारे लिए मर चुके हैं। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। और इस तरह अचानक? मौत अचानक ही आया करती है भाई साहब। दुनिया जानती है आप दिल के मरीज हैं। सुबह लोग आपको जब मुर्दा हालत में देखेंगे तो यही कहेंगे कि दिल का दौरा आखिर जान लेकर ही रहा। इस तरह बाप के मरने के बाद भाई साहब ने मुझे बाप बनकर पाला था, आज उसी तरह मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन बच्चों के लिए दाश्त करूं। हौसला करो भाई, हौसला करो, हौसला करो। भाई साहब, ये जागीर, ये महल, ये बैंक बैलेंस, ये सब इनकी अमानत है, मैं तो इनका रखवाला हूं। आइए छोटे मालिक, आपका घोड़ा तैयार है, आइए
इशारा साइज आज से अंश के कमरों पांव रखकर सवाल हुआ करेंगे। झुको, सुना नहीं तुमने? झुको। नहीं झुकूंगा। तुमको झुकना पड़ेगा। रुक जाओ मालिक, रुक जाओ। हट जाओ साइज, मैं कह रहा हूँ हट जाओ। मैं इसे समझाता हूँ, मैं इसे समझाता हूँ मालिक, मैं इसे समझाता हूँ। तुम इस घर के नौकर हो बेटा राजू, नौकर को मालिक की हर बात चुप कर मारनी पड़ती है। झुक जाओ बेटा, झुक जाओ, झुक जाओ। पानी की बोतल दे। अगर इसमें कुछ बाकी है तो पी ले, और अगर नहीं तो पानी के चंद कतरे हमारे जूते पर गिरे हैं। अगर अपनी जबान से चाट कर अपनी प्यास बुझा सकता है तो बुझा ले, वरना हमारे जूते साफ कर। साफ कर। यही एक सिफ्त है हमारे खून में, मोहब्बत करते हैं तो इंतहा तक, नफरत करते हैं तो इंतहा तक। का पानी है। इन कुत्तों और मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है मामिश बीबी। मालिक ने कहा था कि कुत्तों के पीने वाले पानी से प्यास बुझाओ, बुझा ली। तुमने खुद ही अपने आप को इस तरह का बना लिया। कितनी बार समझाया तुम्हें कि तुम यहां कैदी नहीं हो, एक आजाद इंसान की तरह सर उठा के जी सकते हो, और अगर नहीं जी सकते तो भाग जाओ। भाग कर कहां जाओ? कहीं भी, यहां से दूर। इस घर में तुम्हें नफरत के सिवा और मिलता ही क्या? लेकिन मैंने तो कभी भी आपकी आंखों में नफरत नहीं देखी माविश बीबी, और कभी देखोगे भी नहीं। जिस दिन मैंने आपकी आंखों में नफरत देखी ना, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। इज्जत बेटा। जी जी जानी, ये कुछ चेक हैं, इन पर साइन कर दो, और कुछ इन कागजात पर। ये कैसे कागजात हैं चाचा जानी? 50 हेक्टर का रकबा जो तुमने गिरवी रखकर पैसे लिए थे, ये उनकी रसीद है। समझ में नहीं आता चाचा जानी,
पैसा आता तो है लेकिन जाता कहाँ है? तुम्हारे हाथ से खर्च होता है इज्जत, तुम जानो? वैसे कुछ कुछ हम भी जानते हैं। जिन बाहों में तुम रातें बसर करते हो उन बाहों तक पहुंचने के लिए लोटों की सीढ़ियों की जरूरत होती है और तुम खूब सीढ़ियां बना रहे हो लोटों को। देख के संभाल के पीछे रहो मुन्ना। राजू ये ट्रेन नहीं हुआ अभी तक? ट्रेन तो हो गया मावेश बीबी, लेकिन थोड़ा खतरनाक है। तो आज इस खतरनाक घोड़े पर हम सवारी करेंगे। ओके लगाम छोड़ो राजू। नहीं मावेश बीबी, ये बहुत खतरनाक है। हम कहते हैं लगाम छोड़ो। क्यों बैठने दिए ऐसे घोड़े पर? क्यों तुमने इसके सिर मानकर इसे मौत के मुंह में धकेल दिया? कुछ भी नहीं हुआ मालिक, ये बिल्कुल ठीक है, बस मामूली सी चोट आई है मालिक। मामूली चोट? मामूली चोट? अगर इसे कुछ हो जाता तो मालिक बोल। मालिक मैंने मना किया था मालिक। पहले तो जख्म लगते थे तो खुद ही हरे हो जाते थे, आज इन जख्मों पर फूलों का मरहम कौन रख गया? मैविस बीबी, राजू तुम कब आए और वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ। अब मावेश बीबी बगैर हुक्म अंदर आने की इजाजत नहीं है। हम तुम्हें इजाजत देते हैं, अंदर आओ, आओ ना।
सब कुछ वैसे का वैसे ही बाप्स बीबी, कुछ भी नहीं बदला। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना। आज मुझे बड़े साहब बहुत याद आ रहे हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो राजू। जो किसी की अच्छाइयों को याद ना रखे वो अच्छा इंसान नहीं होता। अब देखो ना, कल तुमने हमारे लिए अच्छा सोचा, हमें उस खतरनाक घोड़े की सवारी से रोका। हम नहीं रुके और हमारी सजा तुम्हें मिल गई। हम देख रहे हैं तुम्हारे ये चोटों के निशान। माफ़ बीबी, इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी मेरे लिए कि आपके हिस्से की चोटें मुझे लग गई। मेरा तो जी चाहता कि मेरे ये जख्म कभी अच्छे ना हो। क्यों? दरअसल बात यह है कि इन जख्मों की वजह से आज आपने मेरे लिए फूल भेजे हैं ना, तो पहली बार मुझे यूं लगा जैसे पत्थर के इस महल में बसने वाले पत्थरों के इन इंसानों में से एक इंसान ऐसा भी है जिसके सीने में दिल धड़कता है। आज आपके सीने में मेरे लिए एहसास जागा है। शायद कल। कल क्या? कल आएगी तो बताऊंगा। कल किसने देखी है राजू? कल कभी नहीं आएगी। लेकिन मेरी कल आएगी मावश बीबी। मेरा दिल कहता है मेरी उस कल में मेरे लिए सुख होंगे, खुशियां होंगी। मैं अपनी उस कल में कह के लगाऊंगा, गाऊंगा। तुम्हें गाना आता है? अब गाने का तो पता नहीं, लेकिन तन्हाई में जब कभी कुछ गुनगुनाता हूं तो पापा कहते तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा गाते हो राजू। पापा सच कहते हैं ये तो हम बताएंगे। तुम गाओ। मैं गाऊं? हाँ। अच्छा तुम हमारे साथ साथ गाओ, हम शुरू करते हैं, हमें अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा? मैं क्या गाऊं? चुपके से दिल में जो आया है, कौन है चुपके से दिल में जो आया है, ख्वाबों की तरह जो आंखों पे छाया है।
सूरत तरसती निगाहों में है। है कौन जो ख्यालों के बाहों में है। ये नहीं पता तू ही कुछ बता मुने चुपके से दिल में जो आया है। सर आपका टेलीग्राम। कोई खुशी की खबर चाहिए या नहीं? हाँ, हमारी जान मुनज्जा वापस आ रही है लंदन से। उसकी तालीम मुकम्मल हो गई? अगर उसकी तालीम मुकम्मल ना होती तो मैं उसको पाकिस्तान में आने की इजाजत कभी ना देता। गुड न्यूज, खुशी की खबर है। उनके लिए हमारी तरफ से खूबसूरत बुके बनवाइए। हाय। आओ मुनज्जा, आओ। ओ महवेश, हाय। थैंक यू इज़्ज़त। वेलकम साहब। वाव, पिछले 8 सालों में कुछ भी नहीं बदला इस घर में। खानदानी लोगों के रहन सहन और रवैयों में तब्दीलियां नहीं आ करती मुनज्जा बेटी। जमाना चांद पर पहुंच गया डैडी, और हम लोग हैं कि अभी तक अपने खानदानी रवैये लिए बैठे हैं। इंग्लैंड की आबो हवा ने तुम्हारी सोच कुछ ज्यादा ही बदल डाली मुनज्जा। तालीम इंसान की सोच ही तो बदलती है इज्जत। सोच ही बदली या शौक भी बदला? शौक तो वही है, राइडिंग। अच्छा, तो फिर हो जाए। हो जाए। ओके, सुनो, राजू से कहो कल सुबह घोड़े तैयार रखें। राजू तो सख्त बीमार है। राजू, राजू,
इसे तो बहुत तेज बुखार है छोटी बीबी, बेहोश पड़ा है। कैसे हो गया बुखार? दिन में तो अच्छा भला था। ना जाने इसे कौन सी खुशी मिल गई। बारिश में कूदता रहा कूदता रहा कूदता रहा बंदरों की तरह। ये गर्म ठंडा हो गया है कमबख्त। अच्छा बाबा, आप ऐसा करें, आप हमारी गाड़ी ले जाएं और डॉक्टर साहब को ले आए, और सुनिए उनसे कहिए कि हमने बुलाया है, वो फौरन आ जाएंगे। अच्छा जी, आप जल्दी से जाइए। जी अच्छा, जाइए ना। पानी 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 कहाँ रखा है पानी? राजू पानी, राजू राजू पानी। पानी पानी पी लो। मावेश बीबी, आप क्यों? हम नहीं आ सकते यहाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी मिल गई थी जो दीवानों की तरह पानी में भीगते रहे? बोलो ना। वो खुशी मावेश बीबी, जिसके इंतजार में मैं बरसों कांटों पर सोता रहा, जिसकी वजह से इस घर की दहलीज छोड़कर नहीं गया। आखिर वो खुशी है क्या? वो खुशी प्यार है। प्यार मावेश बीबी, प्यार। क्या हुआ, क्या हुआ मावेश बीबी? अरे क्या हुआ, कुछ तो बताइए मावेश बीबी, क्या हुआ? हमारी रवायत पसंदी का एक और नजारा, ये तलवारें। न्यूक्लियर के दौर में ये लोहे की तलवारें? ये तलवारें नहीं, निशान है हमारे आबा अजदाद की अजमत का, शजाअत का, दिलेरी का। क्यों ठीक है ना चाचा जानी? तुम ठीक कह रहे हो इज्जत, लेकिन एक बात मिस कर रहे हो, और ये तलवारें इसलिए भी हैं कि हमारी खानदानी रवायत के मुताबिक ये तलवार उसकी कब्र के साथ लटकाई जाएगी जो इस घर का दामाद बनेगा। यानी कि ये तलवार महवेश अपने होने वाले शोहर की कमर से लटकाएगी। यस। अच्छा, पर वो खुश नसीब होगा कौन? सांप ने डस लिया। डॉक्टर साहब, अब खतरे की तो कोई बात नहीं? नहीं, खतरे की कोई बात नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक है। तूने अपने नापाक हाथों से हमारी बहन को उठाया, तेरी जुर्रत कैसे हुई? बोल बोल बोल। किस दुनिया में बसते हैं आप जो इतना भी नहीं जानते कि जिंदगी बचाने वाले को सजा नहीं इनाम दिया जाता है? इसने हमारी जिंदगी बचाई है भाई, अस्तबल में सांप ने डस लिया था हमें, और आप है के? तुम उस वक्त अस्तबल में क्या करने गई थी? ये बीमार था, हम इसकी तबीयत पूछने के लिए गए थे,
तुम एक मामूली नौकर को पूछने गई थी खुद चलकर? ये मामूली नौकर नहीं है भाई, नहीं है। टेडी से अपने सीने से लगाकर इस घर में लाए थे और आपने आपने इसको अस्तबल में फेंक दिया। इसलिए कि हम बचपन से नफरत करते हैं इससे। लेकिन हम इससे नफरत नहीं करते, इसलिए कि ये मौसम है हमारा, इसने दूसरी बार हमारी जिंदगी बचाई और हमारी जिंदगी का एक एक सांस राजू का एहसानमंद है। मालिक की जिंदगी का ख्याल रखना फर्ज होता है, लेकिन मैंने तो कभी भी अपने आप को इस घर का नौकर नहीं समझा। तो फिर क्या समझता अपने आप को, बोल क्या समझता है? बड़े साहब, मुझे अपना बेटा बनाकर इस घर की चार दीवारी मिलाए थे, आप लोगों ने नौकर बना दिया। मैं आपके लिए नौकर हूं, लेकिन शट अप, शट अप। अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तेरी जबान काट दूंगा। दफा जाए यहां से। तुम जाओ यहां से, जाओ यहां से, जाओ ना, जाओ यहां से। आप ठीक है ना ममेश बीबी? हाँ हम ठीक हैं, तुम जाओ यहां से। जी जी। खूबसूरत हो, जवान हो, बाजुओं में ताकत भी है, कोई जुर्म ही नहीं किया, फिर क्यों कह दो? चले क्यों नहीं जाते यहां से? शाख कांटों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करती है मेम साहब कि उसमें कांटों के साथ साथ फूल भी होते हैं। मैं भी एक ऐसी शाख की मानंद हूं जो प्यार के एक फूल के खातिर ठेरो जुल्म और नफरतों के कांटे बर्दाश्त कर रहा हूं। जीना है तो एक आजाद इंसान की तरह जीना सीखो, जो जबान कहे कह दो, जो दिल कहे कर डालो। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती मिस्टर राजू, इसका ख्याल रखो। बीबी, महेश बीबी, राजू तुम कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है मावेश बीबी। ये कौन सा वक्त है और कौन सा तरीका है? अब मैं जानता हूं इसरा आना और बात करना अच्छा नहीं, लेकिन मैं क्या करूं मावेश बीबी, मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है? मैं अपनी दीवानगी के हाथों मजबूर हूं। कैसी दीवानगी? वो दीवानगी जिसकी वजह से मैंने बहुत जुल्म सहे, हर सांस के साथ दुख पाए और हमेशा आकर मेरे जख्मों पर मरहम रखा, तो सिर्फ आपने
लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा कि तुम ये नफरतें, ये दुख और ये जिल्लतें क्यों सहते हो, इसका सबब क्या है? क्या है? मैं आपसे प्यार करता हूं माविश बीबी। ये मोहब्बत मेरा जुनून है, वो ताकत है जिसने मुझे आपके इस महल में जिंदा रखा है। राजू, आज सिर्फ सुनते रहिए और मुझे कहने दीजिए, दिखाने दीजिए अपना जुनून जो किसी ऊंच नीच को नहीं जानता। मेरी औकात खाक है लेकिन मेरी परवाज आसमान पर है। मेरी पहचान गंदी नाली का एक कीड़ा लेकिन मेरे इश्क की पहचान उजला चांद है, वो चांद जिसकी चांदी से मेरी जिंदगी रोशन है और उस रोशन जिंदगी के सीने पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है, एक ही नाम। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये सीना चीर कर देख लीजिए, इस दिल में इतना खून नहीं जितना आपके ये प्यार है। आज जो तुमने कहा राजू, वो सब कई बार हमारी जबान पर भी आया लेकिन हम कह नहीं पाए, शायद किसी खौफ से या झिझक से। लेकिन यकीन करो, हमारे दिल में भी बचपन से एक ही नाम लिखा है, राजू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दुनिया से आज कहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दुनिया से आज कहती हूँ। से आज कहता हूँ तेरे नाम पे जीता हूँ, तेरे नाम पे मरता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दुनिया से आज कहती हूँ। Thank you.
से प्यार करता हूँ, दुनिया से आज कहता हूँ। नौकर हमारी इज्जत तक पहुंचे और वो जिंदा बच जाए, नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं जिंदा रहेगा, नहीं जिंदा रहेगा, मैं कहता हूं नहीं जिंदा रहेगा। मेरी बात तो सुनो, बात सुनो। नहीं सुनूंगा, वो भी जिंदा नहीं रहेगा और मैं भी नहीं। ऐसा करने से हमें सिर्फ बदनामी मिलेगी, बदनामी। खामोश रहो, जैसे हम कहते हैं वैसा करो, वैसा। अरे क्या है? अरे बोलो क्या है? क्या हुआ? क्या है हमसे पूछ, क्या है? छोड़ो इज्जत, छोड़ो। तुम इसके खून में हाथ क्यों रंगते हो इज्जत? ओए, उठाओ इसको और दरिया में फेंक दो। सुनो, राजू कहाँ है? ये तुम हमें क्या दिखा रही हो महवेश? हिसाब मांग रही हूं इस लहू का जिसे आपने खाक में मिलाया और मैंने अपने हाथ पे सजाया।
तुम्हारा ये खून आलूद हाथ तुम्हारे गुस्ताख होने का गवाह बन रहा है महवेश। मत भूलो हम तुम्हारे भाई हैं। आप कातिल हैं हमारी खुशियों के। तुम्हारी खुशियों के कातिल नहीं, राजू के कातिल हैं हम। राजू ही तो है हमारी खुशी, और सिर्फ खुशी ही नहीं हमारा प्यार भी और हमारी मोहब्बत भी। महवेश महवेश मैं आ गया महवेश, कोई नहीं रोक सका मुझे। राजू न मौत न मुश्किल न दुश्मन सब हार गए महवेश, सब हार गए। हमारी मोहब्बत जीत गई महवेश, जीत गई हमारी मोहब्बत। देखो उसे और कुत्तों के आगे डाल दो। तुम बड़े सांप के कातिल हो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कत्ल करते देखा है। ये कमबख्त इतना बड़ा राज कैसे जानता है, इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। राजू को जिंदगी सिर्फ एक सूरत में मिल सकती है, कि वो इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। मेरा ख्याल है कि उसके जिंदगी के लिए तुम अपनी मोहब्बत का गला घोंट सकती हो, उसे जाने पर मजबूर कर सकती हो। देखो बेटा महवेश, कभी कभी अपने दिल से समझौते करने पड़ते हैं। तुम्हारे कहने पर वो चला भी जाएगा और उसकी जिंदगी भी बच जाएगी। हाँ लेकिन मैंने तो कभी भी आपकी आंखों में नफरत नहीं देखी महवेश बीबी, और जिस दिन आपकी आंखों में नफरत देखूंगा ना, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। महवेश तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना महवेश? मैं सबसे लड़ते लड़ते थक गया हूं, मुझे थाम लो महवेश। महवेश तुम्हारी औकात जमीन की धूल है, महवेश का हाथ नहीं। भूल थी हमारी जो हमने तुम्हारे और अपने बीच फासला नहीं रखा, और तुम समझ बैठे कि हम नहीं रहे, तुम नहीं रहे। साथ मकाम हैसियत सब बराबर हो गया, इसलिए तुमने हमारे भाई साहब की आंखों में आंखें डालकर हमारे कुत्ते मार डाले। क्यों किया ऐसा? क्या समझते हो तुम अपने आप को? ये आप एकदम बदल गई। क्यों ना बदले, क्यों ना? हमने तुम्हें गरीब जानकर तरस खाया, और तुम समझ बैठे कि हम तुमसे प्यार करते हैं। हमारी तरफ क्या देख रहे हो? आज हम तुमसे कहते हैं दफा हो जाओ हमारे घर से। आप तो ऐसी नहीं थी महवेश बीबी, आपने तो मेरे साथ मिलकर प्यार का एक महत बनाया था। जो तोड़ने के लिए हमारा ये फैसला काफी है। हम उससे शादी करेंगे जिसकी कमर पर हमारे खानदान वाले ये तलवार बांधेंगे। महवेश को वो अपनाएगा जो आसमान का चांद होगा, तुम्हारी तरह गंदी नाली का कीड़ा नहीं। चले जाओ यहां से। महवेश
गिरते हुए पहाड़ की चोटी पर। तूने सच्चाई की जुबान से वो जहर उगला है कुत्ते, कि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए तो वो जहर हमें तख्ते दार पर ले जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सीधा करो इसे। जमशेद, 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 उधर एक लाश। लाश? मुझे यहां कौन लाया? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? बोलिए ना। ये तुम्हारे बाजू पर चेक इसने लिखा है। आप क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि बिल्कुल एक ऐसा ही चेक मेरे बाजू पर भी लिखा हुआ है। हाँ, देखो, देखो भाई। कुछ याद आया? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अम्मा, हम सर्कस देखने चले गए थे अम्मा, वहां हमने अपने अपने नामों का पहला हर्फ अपनी कलाई पर लिखवाया, ये देखें। पैसे कहां से लिए? बोलो, पैसे कहां से लिए? अम्मा, भाई ने चोरी किए स्कूल में एक लड़के के बैग से। तुमने चोरी की? बाप ईमानदारी की चक्की चलाते मर गया, ना हाथ फैलाए, ना बेमानी की, ना चोरी की। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? जान से मार दूंगी। निकल जा यहां से, भगा हो जा, चला जा यहां से, चला जा, जा, चला जा यहां से। देख, वो कमबख्त सचमुच नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया है। चला, उसे ढूंढ कर ले आते हैं। आ जा। भाई, अब बताओ कि वो कौन थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? ये बहुत असीयतनाक कहानी है भाई। उन्होंने तुम्हें जो भी समझा, तुम्हारे साथ जो भी सलूक किया, इसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा। अगर वो बड़े लोग हैं तो कम अब तुम भी नहीं। इस शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के भाई हो तुम। हाँ, ये नाला है तुम्हारी होने वाली भाभी, और मैं इनका हो चुका सेक्रेटरी। हाँ, और ये दोनों उस वक्त से मेरे साथ हैं
जब तुमसे मां से बिछड़कर मैंने एक फुटपाथ पर ठेला लगाया और फिर एक दिन उसी फुटपाथ पर सबसे बड़े बिजनेस सेंटर का मालिक बन गया मैं। तुम हमें सिर्फ इतना बताओ भाई कि वो खानदान कहां बसता है। हमने तुम्हें कहा था इज्जत, संभल कर चलो। पैसा पानी है, पानी का एक एक कतरा गिरने लगे तो बड़े बड़े जखीरे पानी के खत्म हो जाते हैं। आपको हमें खबर देनी चाहिए थी। बैंक स्टेटमेंट हर माह फाइल होती है, तुम्हें देखने की फुर्सत है? मुझे पैसे चाहिए। आप हमारा नहरी रकबा बेच दीजिए। इतनी जल्दी? जल्दी जिस भाव बिकता है बेच दीजिए। आई नीड मनी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मां और अपने भाई को इस घर में लेकर आऊं और उनके कदमों में दुनिया भर की खुशियां, सुख और इज्जत रख दूं। लेकिन अफसोस, आज मेरी ख्वाहिश पूरी तो हो रही है मगर आधी। मां की कमी आज शिद्दत से महसूस हो रही है भाई। बस यही एक कमी है जो मैं पूरी नहीं कर सकता भाई। हेलो जी, होल्ड कीजिए, आपका फोन। यस, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जिस दाम बेचते हैं खरीदते जाओ, हमें इज्जत बेग की जायदाद का चप्पा चप्पा चाहिए। हाँ, हमारा भाई इज्जत बेग को आसमान से जमीन पर गिरता हुआ देखना चाहता है। और सुनो, खरीदने वाले का नाम जुनैद खान शो करना। आइए आइए इज्जत बेग, ये है खान जुनैद खान के मैनेजर मिस्टर जमशेद खान। और मिस्टर जमशेद खान, ये है इज्जत बेग। रिश्ते में हमारे भतीजे होते हैं लेकिन हैं दोस्त। तशरीफ रखिए। थैंक यू मिस्टर इरफान, आप उधर तशरीफ रखिए। ये हम क्या सुन रहे हैं कि जुनैद खान साहब ने हमारे कर्जों के कागजात सस्ते दामों खरीद लिए? जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर उन्हें हमारे कागजात खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई थी? किस्सा कुछ यूं इज्जत बेग साहब कि जिन जिन से आपने कर्जे हासिल किए, हमारे साहब जुनैद खान साहब ने उनसे कर्जे के कागजात कम कीमत पर खरीद लिए हैं। और खरीदे इसलिए कि वो अपना प्रॉफिट लेकर आपको आपके कर्जे के कागजात वापस लौटा सकें। एंड इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस प्रॉफिट स्ट्रेटजी। बाय द वे, आप क्या सोचने लगे थे? हम कर्जे की अदायगी के बारे में सोच रहे थे। देख साहब, अगर आप बुरा ना मनाए तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं इस मामले में। आपसे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि हमें कुछ टाइम और दे दीजिए, हम फौरी अदायगी नहीं कर सकेंगे। कोई बात नहीं, इस साल ना सही, अगले साल सही। वैसे बेग साहब, मुझे काफी हैरत हो रही है एक बात पर कि आप इतनी बड़ी जायदाद के मालिक होने के बावजूद भी मखरूस हैं। वैसे अगर जायदाद की आमदनी से कोई बिजनेस किया होता तो शायद आज ये सूरत पैदा ना होती। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, बस होगी मिस्टेक। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ बना सकते हैं। आई मीन कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस? किस किस्म का बिजनेस? मैं आपको बताता हूं, आजकल मार्केट में कॉटन का भाव बहुत गिर गया है। अगर आप 60 लाख रुपए मार्केट में फेंकें तो आपको एक महीने में दुगना फायदा हो सकता है। लेकिन इतना सरमाया हमारे पास नहीं है। अरे बेग साहब, ये नाचीज किस लिए है? आप मेरी कमीशन का बंदोबस्त कीजिए, मैं आपको ये रकम अपने साहब जुनैद खान साहब से दिलवा सकता हूं। इसमें आपका क्या कमीशन होगा? ओनली 5%, लेकिन
इसके लिए आपको गारंटी देना होगी। गारंटी? कैसी गारंटी? गारंटी के तौर पर आप अपनी पुरानी हवेली रहन रखवा दें। लेकिन आपके साहब इस पर इतना कर्जा दे देंगे? बेग साहब, आप कमीशन का बंदोबस्त कीजिए, कर्जा दिलाना मेरा काम है। हमें मंजूर है सर, इज्जत बेग को रकम पहुंचा दी गई। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जैसे ही वो कॉटन खरीदे, मौजूदा भाव से कॉटन का भाव 50 गुना बढ़ा दो। इसमें नुकसान तो हमें भी होगा। यू आर राइट, यकीनन नुकसान हमारा है, लेकिन हम ये नुकसान जानबूझकर बर्दाश्त करना चाहते हैं और इज्जत को प्रॉफिट देना चाहते हैं। वाओ, इतना मुनाफा तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये तो कुछ भी नहीं बेग साहब, अभी तो आपके और हमारे सिलसिले बहुत लंबे चल रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वैसे जमशेद, आप हमें अपने जुनेर खान साहब से तो मिलवाइए। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिनकी वजह से आज हमारे एक बार फिर दिन फिर गए। ऑफ कोर्स। हेलो एवरीबॉडी, हाय डेड बॉडी। इज्जत बेग, तशरीफ लाते हैं हमारे बॉस खान, जुनेद खान। आइए खान साहब, इन सब का तारुफ करवा दूं आपसे। ये है जनाब इज्जत बेग। हेलो। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर इज्जत बेग। जी हमें भी, सेम हियर। बड़े भारी हाथ हैं आपके, इन हाथों से क्या काम लेते रहे हैं आप? इन हाथों से चाबुक बहुत बरसाए हमने। किस पर? अपने घोड़े पर। उस वक्त घोड़े की लगाम इनके हाथों में होगी, वरना आजाद घोड़े को चाबुक तो क्या। हवा भी मुश्किल से छू सकती है। आप हमें इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? कौन है आप? मैनेजर, आपने हमारा तारुफ ठीक तरह से कराया नहीं शायद। इज्जत बेग ना जाने हमें क्या समझ रहे हैं। हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकते, आवाज शक्ल बिल्कुल वैसी है। आदत और दिल वैसा नहीं है। कैसा है? हम हूबहू अपने टेडी की तस्वीर है। और आप हैं शौकत बेग साहब, इज्जत बेग के चचा। जनाब, ये चचा का रिश्ता भी बहुत बदनाम रिश्ता है। जमाना कहता है कि चचा अपने भाई और भाई की औलाद के दुश्मन होते हैं, यहां तक कि
कत्ल भी कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये झूठ है। और आप हैं मिस? हम जानते हैं ये कौन है। ये इज्जत बेग की बहन है। ऑफ कोर्स, लेकिन आप इन्हें कैसे पहचानते हैं सर? आपने गौर से देखा नहीं इनको? इनका हर अंदाज अपने भाई जैसा है, और यकीनन इन्हें अपने भाई और खानदान की अजमत से बहुत प्यार होगा, और शायद इसीलिए ये हर इंसान को कीड़ा मकौड़ा ही तसव्वुर करी होंगी। और ये होना भी चाहिए, होना चाहिए। नाम क्या है इनका? महवेश। ये आपका नाम है या इनका? इनका। मेरा नाम मुनज़्ज़ा है और मैं इनकी कज़न हूं। गुड। आप तो बहुत मिलनसार और गरीब परवर लगती हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस मुनज़्ज़ा। जी मुझे भी। जी जुनैद खान साहब, खाना तैयार है। ओ चलिए। हम उससे शादी करेंगे जिसकी कमर पर हमारे खानदान वाले ये तलवार बांधेंगे। महवेश को वो अपनाएगा जो आसमान का चांद होगा, तुम्हारी तरह गंदी नाली का कीड़ा नहीं। चले जाओ यहाँ से। क्या देख रहे हैं जुनैद साहब? ये तलवार हमारे आबा अजदाद की निशानी है, इनसे बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं। आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया इन्हें? ऐसा कभी मौका ही नहीं आया। वैसे इन्हें हम अपनी खानदानी रस्मात में इस्तेमाल किया करते हैं। एनीवे, खाना ठंडा हो रहा है, आइए टेबल पर। माफ कीजिएगा, हमें ऐसे लोगों के साथ खाना पसंद नहीं जिनसे हमारी पहली मुलाकात हो। हमें तो यूं लगता है जैसे हम इज्जत बेग के बड़े घर में नहीं बल्कि किसी बड़े कब्रिस्तान में आ गए हो। महसूस होता है हमारे आने की किसी को खुशी नहीं हुई, या फिर हम मेहमान नहीं बबाले जान बनकर आए हैं। मैं बताती हूं, दरअसल इन सब की प्रॉब्लम यह है कि आपकी शक्ल एक ऐसे इंसान से मिलती है जिसका नाम राजू था और वो हमारे यहां साइज था। What? आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? हम और साइज? यही सच है। Now finish it। तुम राजू हो। It's a bake। अपनी जबान को काबू में रखिए। एक अतरा साइज से मिला रहे आप हमें। बहुत इज्जत दी है आपने हमें। कहां के इज्जतदार हैं आप लोग जिन्हें इज्जत करना और इज्जत करवाना भी नहीं आता। हमें अफसोस है कि हमने आप जैसे आदमी की दावत कबूल की और अपना वक्त जाया किया। शौकत बेग एंड इज्जत बेग, मुझे अफसोस है कि आपको इतने भी मैनर्स नहीं कि किसी बड़े इंसान के साथ किस तरह से बात की जाती है। आई एम वेरी सॉरी एंड गुड बाय। तुम जुनैद खान नहीं, राजू हो। Thank you.
हराम हो तुम लोग, रास्ता ही रोका है। अगर मेरा निशाना अच्छा ना होता और आपकी ये रस्सी ना टूटती तो ये लोग आपको कौन थे ये लोग जो आपको मारना चाहते थे? मैं नहीं जानता। कोई ना कोई वजह तो होगी शौकत साहब, किसी का कोई हिसाब या कोई जवाब। जो जैसा करता है वैसा भरता है। आपने तो कभी ऐसा सलूक नहीं किया किसी के साथ। मार्केट में जितना भी माल है खरीद लो, मैंने कह दिया ना जिस भाव मिलता है खरीद लो। साहब, साहब, देखिए मालिक की क्या हालत हो गई है। डैडी, इधर बैठिए। अच्छे डैडी, डैडी क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? नहीं जानता बेटे कि वो कौन लोग थे। देख, तुम डॉक्टर को फोन करो, उन्होंने चेहरे पर नकाब पहन रखे थे। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए, डैडी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, आज मैं मर जाता अगर जुनैद खान मौके पर ना पहुंचते। अब बताओ, तुम लोग तो उस पर राजू होने का शक कर रहे थे। अब कहाँ है वो लाल बेग, वो इज्जत बेग, उनकी कमबख्ती, वो खुद ही तशरीफ ले आए और आपसे मिलना चाहते हैं। उसे हद तक कामेज रवैये के साथ बाहर रोको जब तक उसे हम अंदर आने की इजाजत न दें। ओके सर। भाई, सट्टा मार्केट का भाव किस वक्त खुलेगा? 5 बजे। 5 बजे? इज्जत साहब, खान सब कुछ मसरूफ है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओहो, हमें उनसे बहुत जरूरी मिलना है, हम उनका इंतजार करेंगे। आप तशरीफ रखें, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भिजवाता हूं। इज्जत बेग साहब इंतजार की अजियत में मुब्तला है और बार बार पूछ रहे हैं कि आप कब तशरीफ लाएंगे। उन्हें अभी इंतजार की अजियत और बर्दाश्त करने दो। इज्जत बेग साहब, आपको इंतजार की कोफ्त हो रही होगी, मगर क्या किया जाए साहब, आज हमारे खान साहब कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं। थोड़ी देर बाद उनका पैमाना ही खाली होने वाला है। ठीक 15 मिनट तक उन्हें बिलियर्ड रूम में ले आओ। आइए 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 इज्जत बेग, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा, हम जरा स्नूकर में मसरूफ थे। कहिए कैसे आना हुआ? उस दिन हम नाराज होकर वापस चले आए, हमें अपने रवैये पे बड़ा अफसोस है। अरे छोड़िए इज्जत बेग, रात गई बात गई, चलिए
दो दो हाथ स्नूकर हो जाए। श्योर, वेरी गुड। लीजिए फिर क्यू स्टिक। और मैनेजर साहब, आप टेबल सेट खींचिए। इज्जत बेग, ये तो मालूम हुआ कि आपके घर में हमारी शक्ल का एक साइज था, लेकिन उस बेचारे से ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई थी जो आपने उसे कत्ल करवा दिया। हमने तो सिर्फ उसे अपने घर से निकाला था। सुना है जंगली जानवरों ने उसे जान से मार डाला था। उन जानवरों ने क्या इंसानों की खाले पहन रखी थी? मतलब? बताने वाले बताते हैं कि पहाड़ी पर पहले गोलियां चली और फिर उस साइस को उठाकर बुलंदी से नीचे फेंक दिया गया। अरे जनाब, किससे कहानियां तो बनती ही रहती हैं। व्हाट? क्या बक रहे हो? क्या हुआ मैनेजर साहब, किस पर बिगड़ रहे हैं आप? सर, एक बुरी खबर है। मार्केट में कॉटन का भाव अचानक गिर गया है और हमें बहुत भारी नुकसान हुआ है सर। मैनेजर साहब, हमारा नुकसान तो पूरा हो ही जाएगा, लेकिन इज्जत का क्या होगा? इन्होंने तो अपना सब कुछ उस पर लगा दिया था, ये तो बर्बाद हो गए। जी, आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा, मैं बस तुम्हारे भाई ने जो बिजनेस किया है उसमें से बहुत नुकसान पहुंचा है। यानी? क्योंकि इस जायदाद में तुम अपने भाई के हिस्सेदार हो, इसलिए तुमसे पूछना बहुत जरूरी है। अगर मजीद कुछ। मुझे क्या एतराज हो सकता है, जैसे इनकी मर्जी। बिजनेस में तो नफा नुकसान होता रहता है, लेकिन इसको दिल पर लगा लेना हमाकत है। इज्जत, देखिए कौन आया आपको पूछने। चलिए जी। इज्जत बेग, लेटे रहिए लेटे रहिए, हमें आपका बहुत ख्याल है। अगर आपको कुछ हो जाता, खुदा ना खास्ता, तो हमारे कर्जे की तो खैर है, लेकिन आपकी और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। वो कौन पूरी करेगा? हम बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं जुनेद खान साहेब। दिल की बीमारी तो हमें खानदानी विरासत में मिली है। हमारे वालिद भी दिल के दौरे से मरे थे। क्या आपको यकीन है कि वो दिल के दौरे से ही मरे थे, या उन्हें किसी ने मार दिया था? आप किन मनहूस बातों को ले बैठे हैं? फिलहाल आपकी रहनुमाई में इज्जत ने जो बिजनेस किया है उसने तो हमें कल्लाश कर दिया है। कोई बात नहीं, आज नुकसान तो कल प्रॉफिट, बिजनेस में तो ऐसा होता रहता है इज्जत। कल रिटर्न भी तो हो सकता है। लेकिन उसके भी लिए तो कुछ चाहिए। इज्जत के तो सारे अकाउंट खाली हैं। हमारे होते हुए आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। ओह, आई एम सॉरी, हाथ चूक गया था। हम आपको 10 करोड़ तक दे सकते हैं। हाँ, बस कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए आप अपना ये महल और इसकी एक एक चीज हमारे नाम लिख दीजिए, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज।
जाते जाते एक बात बोल दे, हम 10 काले बकरे भिजवा रहे हैं, सदका उतार दीजिएगा। खुदा ना करे ये बुरे दिन किसी की जान न ले ले। और हाँ, कल हमारी सालगिरह है, आप लोग आइएगा जरूर, अगर ना आए तो गिला रहेगा। हम इजाजत चाहते हैं, आइएगा जरूर। वेलकम वेलकम वेलकम। सुमित साहब आपके आने की तो बहुत ही खुशी हुई है, आइए। वेलकम वेलकम। थैंक यू। वेलकम इज्जत बेग। हेलो, गुड टू सी यू। जुनेद खान साहब नजर नहीं आ रहे। खान साहब तो क्या, यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। कैसी पार्टी है ये, हमारे अलावा और किसी को नहीं बुलाया आपने? और किसको बुलाते? हम तो अजनबी हैं यहाँ, आपके सिवा हमें जानता ही कौन है, और ना ही हम आपके सिवा किसी को जानते हैं। एनीवे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपने चाहा तो हम कैसे ना आते, इज्जत तो हमसे पहले तैयार थे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू इज्जत। मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू इज्जत। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू वेरी मच, बहुत ही खूबसूरत फूल है। मेरा ख्याल है कि अब केक काटा जाए। क्या बात है मैनेजर साहब, आज की दुनिया में हर किसी को काटने की जल्दी रहती है, चाहे वो केक हो, रिश्ता हो या दिल हो। चलिए हम भी छुरी चला देते हैं। ये आपका केक दिल की शक्ल का है, ये इत्तफाक है या आपने खुद बनवाया है? इत्तफाक ही है जी, जो आज हमें भी दिल पर छुरी चलाने का मौका मिल रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुबारक हो सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, लीजिए शौकत साहब। आपकी पार्टी तो बहुत ही बोर है खान साहब, ना कोई शोर, ना हंगामा, ना कोई साज, ना कोई आवाज। हमारे साहब बहुत अच्छा गा भी लेते हैं और बजा भी लेते हैं, आज ना ये बजाने के मूड में है और ना ये गाने के मूड में है, आप कहें तो शायद। क्यों मिस्टर खान? कभी गाते थे जब कोई साथ गाता था, अब ना वो साथ है और अब ना वो आवाज। कोई भाना नहीं चलेगा, आज तो आपको गाना ही पड़ेगा। क्यों महवेश? इनकी ताईद की कोई जरूरत नहीं, आप कहेंगी तो हम जरूर गाएंगे। तो फिर गाइए ना। मगरूर तो क्या मुझसे है दूर तो क्या, तू है मगरूर तो क्या मुझसे है दूर तो क्या, ऐसी कोई सुबह नहीं जिसकी कोई शाम नहीं, तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं, तेरी हस्ती रा
मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं, तू है मखदूद तो क्या मुझसे है दूर तो क्या, ऐसी कोई सुबह नहीं जिसकी कोई शाम नहीं, तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं, तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं। ला 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 मुझको अब जिद है यही जिद, मैं तेरी तोड़ूंगा, मैं तेरे सर को झुका कर सनम छोड़ूंगा। मुझको अब जिद है यही जिद, मैं तेरी तोड़ूंगा, मैं तेरे सर को झुका कर सनम छोड़ूंगा। अब सिवाय इसके मुझे, अब सिवाय इसके मुझे और कोई काम नहीं, तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं, तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं। हुस्न पे नाज न कर, हुस्न तो ढल जाता है, याद रह जाते हैं और वक्त निकल जाता है। हुस्न पे नाज न कर, हुस्न तो ढल जाता है, याद रह जाती है और वक्त निकल जाता है। तूने जो सोचा है, तूने जो सोचा है वैसा मेरा अंजाम नहीं, तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं, तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं। तू है मखदूर तो क्या मुझसे है दूर तो क्या, ऐसी कोई सुबह नहीं जिसकी कोई शाम नहीं, तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं, तेरी हस्ती ना मिटा दूं तो मेरा नाम नहीं। मुबारक हो जमशेद खान। मुबारकबाद हमें नहीं,
इज्जत बेग साहब को दीजिए, हमें तो हमारा कमीशन चाहिए। डोंट वरी, आपका कमीशन आपको मिल जाएगा। ये रहा आपका 10 करोड़ का चेक। थैंक यू। वाओ, ये शमे और इस आतिशदान में जलती हुई लकड़ियों की चटख पटख कितना अच्छा लग रहा है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो इस डाक बंगले की मजबूरी है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहां पर। बाहर चांद की चांदनी और अंदर ये शमे एक ख्वाब सा लग रही हैं।
आइए। इज्जत बेग आपका नाम है? जी जी, फरमाइए। हम अदालत से आए हैं, आपके बेदखली का ऑर्डर हमारे पास है, आपको ये घर फौरी तौर पर खाली करना होगा। इन कागजात की रोशनी में अब खान जुनेद खान इस घर के मालिक हैं। लेकिन लेकिन मैनेजर ने तो कहा था कि हम जब तक जी चाहे यहां रह सकते हैं। उनकी और बात है, हम यहां कानूनी तौर पर आए हैं, आपको सिर्फ पहने हुए कपड़े ले जाने की इजाजत है। आप यहां से कोई चीज नहीं ले जा सकते। नहीं, हम यहां से नहीं आएंगे। सॉरी, हम कानूनी तौर पर मजबूर हैं। ठीक है, हमें हमें कुछ वक्त चाहिए, हम जुनेद खान से खुद बात करेंगे। आप फोन पर बात करें? नहीं, हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। जुनेद खान, हम कोई मामूली आदमी नहीं जो तुम हमारे साथ इस तरह का घटिया सलूक कर रहे हो। आज जिस मकाम पर तुम चैन की नींद सो रहे हो, वहां कभी हम थे। यही दुनिया का दस्तूर है इज्जत बेग, अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। बोलिए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? किसी तरह अदालत के बैलफ को रोकिए, अगर बैलफ ने हमें घर से निकाल दिया तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, कभी नहीं, हम तो आपके खानदान की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। आपकी जान बहुत कीमती है सर। सर, अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास इस मसले का एक बाइज्जत हल है। बोलिए। इज्जत बेग, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो अपनी इज्जत जुनेद खान के नाम कर दो। अपनी बहन की शादी कर दो। वैसे भी कहीं ना कहीं तो करनी है उसकी शादी, खान साहब से बेहतर रिश्ता भी नहीं मिलेगा कहीं, और इससे बेहतर इस मसले का कोई और हल भी नहीं होगा। मैनेजर साहब की तजवीज और रिश्ते की ऑफर बहुत बाइज्जत है, यूं हमारा भरम भी रह जाएगा और घर की इज्जत घर में। मैनेजर साहब, अपने भतीजे के बिहाव पर मैं ये रिश्ता कबूल करता हूं। सब क्या है मैनेजर साहब? ये हमारी खानदानी रस्म है खान साहब, जब इस घर की बेटी किसी से मंसूब कर दी जाती है तो वो अपने होने वाले शौहर की कमर के साथ तलवार लटका कर मंगनी की रस्म अदा करती है। वो तो ठीक है, लेकिन हम मुनज्जा से शादी करना चाहते हैं।
हमने तो मुनज़ा के लिए हाँ की थी। अगर ये तलवार हमारी कमर से कोई बांधेगी तो वो सिर्फ मुनज़ा होगी, वरना और किसी में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये पकड़िए इसे। वैसे आपका क्या ख्याल है, मुनज़्ज़ा भी तो इसी घर की बेटी है, आपको तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। हमें कोई इतराज नहीं। हाँ, हमें भी कोई इतराज नहीं। मुनज़्ज़ा, रस्म अदा करो। सुनिए, हम आपको 1 करोड़ रुपया देना चाहते हैं। अगर आप इज्जत बेग को कत्ल करते हैं। वो नहीं चाहता कि हम मुनज़्ज़ा से शादी करें। मैं अपने भतीजे को कैसे कत्ल कर सकता हूं? जैसे अपने भाई को आपने कत्ल किया था। जी, आप घबराइए नहीं, हम इस राज को उसी तरह राज रखेंगे जैसे एक दामाद ससुर का रखता है। होने वाले ससुर जी, हम आपको 1 करोड़ रुपया भी देंगे, और इज्जत को तो वैसे भी 1 हार्ट अटैक हो चुका है, दूसरा हार्ट अटैक इस डाक बंगले में भी तो हो सकता है। इज्जत को हम यहां बुलाएंगे और फिर आप कहो तो 1 करोड़ रुपए का चेक लिख दें। जुनैन खान साहब, अरे भाई कोई है घर में? जुनैन खान, जुनैन खान, कौन है? जानी, आप हमें मारना चाहते हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे बाप को भी मैंने ही मारा था, उसी तरह अब तुम भी मरोगे, और कहा जाएगा दिल का दूसरा दौरा जानलेवा साबित होगा। बस शौकत बेग, बस सिर्फ यही दिखाना था इज्जत को कि उसकी आस्तीन में कैसा सांप है। छोड़ दो इज्जत को, वरना गोली मार दूंगा।
सुन लिया आपने, अपने बाप के कातिल के मुंह से सच्ची गवाही। लेकिन हमें तो आपने यहां बुलाया था। बुलाया था, इसके चेहरे से नकाब हटाकर इसका असली चेहरा दिखाना चाहते थे आपको। मेरा असल चेहरा देखने वाला और दिखाने वाला दोनों ही जिंदा नहीं है। अब जाए जुनैद खान, इस मक्कार चचा की लाश को यहीं सड़ने दीजिए। जब बदबू फैलेगी तो आ जाएंगे उठाने वाले। आप जाइए। मैं अपने इंतकाम की आखिरी सीढ़ी तक आ पहुंचा हूं भाई। इज्जत के हाथों उसके चचा का कत्ल, मेरे मोहसिन का मुझ पर गर्ज था जो मैंने उसके बेटे के हाथों चुका दिया। अब सिर्फ और सिर्फ उन्हें उस घर से धक्के मारकर बाहर निकालना है जहां मोहब्बत के नाम पर मेरी जिल्लत हुई। हम आपके धक्के खाने के लिए तैयार है राजू। अरे आप यहां? बहुत देर से इंतजार कर रही थी, एक रिक्वेस्ट करने आई थी जुनैद खान से कि वो राजू बन के सुन ले। बोलिए क्या कहना है आपको। जिस दिन तुम आए थे मैंने तभी तुम्हें पहचान लिया था कि तुम राजू हो, लेकिन कोई नहीं चाल, कोई नया धोखा। कोई चाल कोई धोखा नहीं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? ये गंदी नाली का कीड़ा आपके किस काम आ सकता है? मेरे बाप का नाम, घर और इज्जत रुस्वा होने से बचा ले राजू। मेरे भाई को माफ कर दो। सिर्फ भाई को? मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं राजू। प्यार में सॉरी नहीं होती राजू, ना ही एहसान जताए जाते। तुम मुझे बेवफा समझते हो, समझो, लेकिन मैंने जो किया मुझे उस पर शर्मिंदगी नहीं, फखर है। इसलिए कि मैंने जो किया अपना प्यार बचाने के लिए किया, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए किया। अगर मैं अपनी मोहब्बत दांव पर न लगाती तो मेरे खानदान वाले तुम्हें जान से मार देते। मैंने बेवफाई का जहर सिर्फ इसलिए पिया था कि तुम चाहे मेरी नजरों से दूर रहो लेकिन जिंदा रहो। मैं आज भी वही महवेश हूं जिसने राजू से प्यार किया था
तुमसे दूर इसलिए रही कि तुम ये ना समझ बैठो कि गरीब राजू से झूठी नफरत करने वाली महविश जुनैद खान की शान और शौकत पर भर मिटी है। इस तरह मत देखो मुझे। कल तुमने कहा था, आज मैं कहती हूं, इस दिल में इतना खून नहीं जितना तुम्हारे लिए प्यार है, और ये प्यार मोहताज नहीं किसी माफी का, बस हो सके तुम मेरे भाई को माफ कर दो, उसके नाम के साथ मेरे बाप का नाम और इज्जत वाबस्ता है। राजू, अफसोस, अफसोस तुम उन इंसानों में से हो इज्जत जो दूसरों को उनके लिबास से पहचानते हैं। तन पर खाकी लिबास हो तो राजू, कीमती लिबास हो तो जुनैद खान, तुम्हारे पास किसी इंसान को पहचानने की कुवत ना कल थी ना आज है, जबकि मैं आज भी वही हूं जो कल था। फर्क नजर आया तो सिर्फ तुम्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि दौलत हाथों की लकीरों की तरह घूमती रहती है, कभी तुम्हारी जेब में तो कभी हमारी जेब में। आज आज मैं तुम्हारी हर चीज का मालिक हूं, हर चीज का। मैं चाहूं तो तुम्हें तुम्हारे ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ऐसा, इसलिए कि मुझे सिर्फ तुम्हारी नफरतें ही याद नहीं बल्कि तुम्हारे पाप की मोहब्बतें और एहसान भी याद है। मैंने तो ये लिबास भी संभाल के रखा था, क्योंकि अगर तुमने इस लिबास से नफरत की थी तो किसी ने प्यार भी किया था, आज उसी प्यार और तुम्हारे बाप के एहसान के बदले मैं तुम्हें तुम्हारी दौलत लौटाता हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारी दौलत वापस लौटा रहा हूं जिससे तुमने बहुत प्यार किया और वो तुम्हारी कभी ना हो सकी। अपनी दौलत वापस पाकर तुम दुनिया की नजर में तो इज्जत पे रहोगे ही, लेकिन अपनी नजर में हमेशा एक भिखारी की जिंदगी गुजारोगे। ये लो। तुम जियोगे, ये दौलत मेरी है, मेरी। आपने ऐसा क्यों किया? हम तो ये सोच कर आए थे
कि हम अपने आप को गोली मारकर अपने गुनाहों की तलाफी कर लेंगे। लेकिन अच्छा हुआ कि हमारी जिंदगी तुम्हारे काम आ गई। राजू, हमने सारी जिंदगी तुमसे नफरत की है, यकीन जानो आखिरी सांसों के साथ तुमसे मोहब्बत की है। हमारी ये मोहब्बत मरेगी नहीं, मैं भी इसकी सूरत में सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जिंदा रहेगी।